हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक नए तरीके का ब्रेसलेट बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें धागा, सफ़ेद पोत मोती, दो सुई, दो छेद वाली मोती, हुक और एक छल्ला, बस इतने सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों सुइयों में एक समान मात्रा में धागा डालेंगे, उसके बाद हुक में गांठ बांध देंगे कुछ इस तरीके से। इसको मैं पैर के नीचे रख के बना रही हूँ। दो छेद वाली मोती को लेने के बाद हम एक एक सुई को एक नीचे के छेद से क्रॉस करेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे क्रॉस करते हुए हम ले जाएंगे। इसके बाद पोत मोती, दोनों सुइयों में छः छः पोत मोती लेंगे। पहली सुई में भी छः मोती और दूसरी सुई में भी छः छः मोती। मोती लेने के बाद हम छेद वाली मोती के ऊपर भाग से क्रॉस करेंगे। एक एक सुई हम निकालेंगे छेद से ताकि आसानी से निकल जाए। इसके बाद हम इसको खींच लेंगे। नीचे खींचते हुए हम इसको लेके जाएंगे। इसी बाद अगला भी हम ऐसे बना लेंगे। दोनों सुई को क्रॉस करेंगे, उसके बाद पोत मोती लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको छः छः मोतियाँ ही लेनी है। दोनों सुई में छः छः मोती लेने के बाद फिर से क्रॉस करेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्रेसलेट है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। खींचते हुए पर्सन को नीचे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको मिले। फिर से हम इसे क्रॉस करेंगे। ये धागा ऊंचे नहीं, ये बहुत आसानी से खिंचता हुआ चला जाएगा। आप इसे चाहे तो एक सुई भी बना सकते हैं। अगर आपको इसे एक सुई से बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको एक सुई बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से खिंचता हुआ चला जाएगा नीचे। इसे बाद में आते चल जाएंगे। इसे दोनों सुई से पकड़ के ही बनाना है। बहुत ही सिंपल ब्रेसलेट है, तैयार होगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
लगभग हमारा ब्रेसलेट बनने के तैयार हो चुका है। सुई और धागे से बनाने पे ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेगा, बहुत दिन तक चलेगा आपका ब्रेसलेट, मुझे टूटने वाला नहीं होंगे। धागा जो मैंने यूज़ किया है वो बहुत सुंदर वाला धागा है, मार्केट में आपको सस्ते में मिल जाएगा। ब्रेसलेट बनके लगभग तैयार हो चुका है।